तृतीय अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलनी 2020 केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को उद्बोधन। 6 वर्ष अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में पुंजी निवेश होइछि $64 बिलियन। पुंजी निवेशकारी डेवलपर और व्यवसायी को देशर अक्षय ऊर्जा यात्रा रे शामिल होगा आह्वान। भारत समग्र ऊर्जा क्षेत्र में उदारवादी एफडीआई नीति रही। यह नीति फल विदेशी पुंजी निवेशकारी माने भारत में निवेश कर पारे। भारतीय संस्था सह जौथ उद्योग रे मध्य काम कर पारे। जैव ईंधन केवल भारत नुहे बरं समग्र विश्व पई नुआ ईंधन। 12 टी 2G एथानल बायो रिफाइनरी 11 टी राज्य रे प्रतिष्ठा करा जाउछि। आगामी दिन में 5000 CBG प्लांट प्रतिष्ठा करबा लक्ष्य। ग्यास भित्तिभूमि विकास में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर पुंजी निवेश करा जाउछि। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत एक पुंजी निवेश लक्ष्यस्थल भाव परिणत हो। विगत 6 वर्ष मध्य भारत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर पुंजी निवेश होइछि बोली शनिवार नया दिल्ली रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे तृतीय अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन 2020 रे जोग दे कहिछन्ति केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आई एनकरेज द ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड इनोवेटर्स टू जॉइन हैंड्स विद इंडियन कंपनीज टू डेवलप सच इनोवेटिव एंड स्केलेबल टाइअप्स इन सोलर सेक्टर व्हिच हैव द पोटेंशियल टू मेक ए नेशन वाइड इंपैक्ट। As mentioned by Honorable Prime Minister Sri Modi, India is progressively becoming a favored destination for investment in renewables. During the last 6 years, over 64 billion investments has been made in renewable energy in India. India has a very liberal FDI policy in energy sector, including renewables. Foreign investors can either invest on their own or enter into joint ventures with an Indian partner for financial and technical collaboration for setting up the renewable based energy power generation projects. Allow me to mention another major transformative energy initiative in the country of developing a gas based economy leading to one nation one gas grid. ए अवसर रे केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पूंजी निवेशकारी डेवलपर और व्यवसायी को भारत रे अक्षय ऊर्जा यात्रा रे शामिल हेबा पई आह्वान करछन्ती। भारत रे एही यात्रा रे शामिल समस्त व्यवसायी उपकृत होई पारे बोली श्री प्रधान प्रतिश्रुति देइछन्ती। से कहिछन्ती भारत रे ऊर्जा क्षेत्र समेत समग्र ऊर्जा क्षेत्र रे देशर एक उदारवादी एफडीआई नीति रहिछि। एही नीति फल रे विदेशी पूंजी निवेशकारी माने निजे निवेश करि पारिबे किंबा भारतीय संस्था सह जौथ उद्योग रे भारत रे अक्षय ऊर्जा आधारित शक्ति उत्पादन प्रकल्प रे पूंजी निवेश करबा सह वैश्विक सहयोग मध्य करि पारिबे। भारत सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दे आसुछंती। पूंजी निवेशर सुरक्षा तथा चुक्तिनामार स्वच्छता को बजाय रखिबा भारत सरकार को प्राथमिकता रही आसिछि। सरकार समस्त मंत्रालय रे घरै ओ विदेशी पूंजी निवेश को सहाय्य करबा पई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल ओ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेल रो प्रतिष्ठा करा जाइछि। गरीबों पई सुलभ मूल्य रे ऊर्जा जोगाइबा ऊर्जा व्यवहार रे दक्षता एवं जने दायित्ववान वैश्विक नागरिक भाबरे जलवायु परिवर्तन को मुकाबला करबा पई स्थायी ऊर्जा को आधार करी आमे आगामी पीढ़ी रो भित्तिभूमि विकास करछु। आमर ऊर्जा एजेंडा अंतर्भुक्तिकरण ओ बजार आधारित ओ जलवायु सहयोगी। भारत सरकार जैव ईंधन को मध्य गुरुत्व देउछन्ती। जैव ईंधन केवल भारत नुहे बरं समग्र विश्व पई नुआ ईंधन। परिवेश ओ अर्थनीतिर समन्वय को रक्षा करबा दिगरे जैव ईंधनर बड़ भूमिका रहिछि। जैव ईंधन को बहुल भावे प्रोत्साहन देवा उद्देश्य 2018 जातीय जैव ईंधन नीतिर शुभारंभ कर 2030 सुधा पेट्रोल 20% इथानल मिश्रण और 5% बायोडीजेल रहने लक्ष्य रखी। यासह दैनिक 1100 किलो लिटर क्षमता विशिष्ट 12 टी 2G इथानल बायो रिफाइनरी 11 टी राज्य में प्रतिष्ठा कर 16800 किलोमीटर लंब गैस पाइपलाइन नेटवर्क काम हो सारी एवं अतिरिक्त 14700 किलोमीटर गैस पाइपलाइन काम विभिन्न स्थान में जारी रही। देश में पाइपलाइन सिटी गैस वितरण एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल सह गैस भित्तिभूमि विकास पर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर पूंजी निवेश करा जाउछि। सेहिपरि 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश रे आगामी दिन में भारत सरकार 5000 CBG प्लांट प्रतिष्ठा करिबार लक्ष्य रखिछन्ति। एहि सीबीजी प्लांट रे वार्षिक 15 मिलियन मेट्रिक टन सीबीजी उत्पादन करिबार लक्ष्य रखा जाइछि। वर्तमान सुधा देशर विभिन्न स्थान रे 1500 CBG प्लांट कार्यक्षम होइछि। तैल राष्ट्रायत्त उद्योग समेत देशर तैल एवं गैस कंपनी माने सबुज ऊर्जा यथा अक्षय जैव ईंधन और हाइड्रोजन को प्राथमिकता दे अक्षय ऊर्जा प्रकल्प विकसित निमन्ते पूंजी निवेश करछन्ति बोली केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।